देखिए सारी तैयारियां हो गई हैं, आज है घर में पूजा। और बेला का देखिए कितने शैतानी नजरों से मुझे देख रही है। मम्मी पूरी रेडी है, ये देखिए इतने सुबह सुबह सारा खाना भी बन गया है। भाई मम्मी क्या क्या बनाए आज? आज देखिए ये बनी है सब्जी, ये बना है चने का दाल माय फेवरेट, और इसमें बना है चावल और आटा सन गया है। मम्मी कचौड़ी बनाने वाली है एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस 7। कोई बोल नहीं सकता है कि अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा। बेला मम्मी को देख रही है, ये सब खराब करने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसलिए अभी हम भी छा नहीं रहे। अब देखिए ये है मेरा बरामदा, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पौधे मम्मी ने लगाए हैं। और आज दीदी भी जल्दी आ गई है क्योंकि पंडित जी आते होंगे। ये सारे बर्तन में होगा हमारा रुद्राभिषेक। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, आंखें ऐसी सूजी हैं जैसे कि मैं रात भर सोई नहीं हूँ, पर मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। इतना घूमी हूँ मैं, कल इतना घूमी हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बता भी नहीं सकती। अरे कहना क्या चाहते हो? और मेरे पिंपल्स का रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि फेशियल बहुत अच्छा था। क्यों मम्मी फेशियल अच्छा था ना? अपना फेस दिखाओ तो। ये देखो मम्मी ने सिर्फ लिपस्टिक लगाया फेस पे, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी मम्मी का चेहरा चमक रहा है। क्या हो गया तुमको? यहाँ जब ये सब कट रहा है आलू और पकौड़े की तैयारी हो रही थी, इसको क्या चाहिए मम्मी? उसको आलू चाहिए क्या? ये यू वांट दिस? ये मेरा छीला दे दो। ये जो कैसे देख रही है उसको चाहिए सामान? ये चाहिए तुमको? बहुत दिन बाद इसको नहीं मिलेगा, के लिए नहीं मिलेगा। ये देख दादी आ गई, चलो आलू लो। यहाँ देखो ये औरत, दुनिया कहती है गाय को आलू खिलाओ, मेरे यहाँ कुत्ता किस तरह आलू खा रहा है। लोग बोलते हैं क्या खाती होगी, गाजर मूली खाती है। बहुत अजब टाइप की वेजिटेरियन कुत्ता निकली भाई वाला तो। ये देखो कैमरा में अगर दिख रहा हो लोगों को, ये देखिए कि दादी आ गई है। दादी आराम से गेट खोल रही है, ऊपर आएगी आलू आज खा लेना। और इसको ये पागल हो गई है, मम्मी को इस पे बैठा दिए हम कि मम्मी तुम इस पे बैठो, तुमको नोच ना सके आलू के लिए। पर इसको देखो सीध बेला, सीध आलू लवर, आलू लवर, आलू लवर। ये देखो कौन आया, बेला कम ऑन, दादी 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 कम ऑन, कौन आया? दादी आई 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 है बेला। हाँ ये ले लो, ये ले लो, इधर इधर एप्पल एप्पल। ए मेरा नया चप्पल है, मेरा नया चप्पल है। अरे 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 बेला इज एक्साइटेड। दादी बहुत दिन बाद मिल रही है क्या बेला से? वो देखिए उसका एक्साइटमेंट देखिए, देखिए देखिए कैसे आपको पकड़ रही है। उधर देखिए, उधर देखिए, ये लोग सब लोग किस चीज का आनंद उठाते हुए। दादी डरती क्यों है? एक दिन आपको कटवा देंगे बस। ये भगवान क्या जुलूम है। सिंगाड़े के आटे का पकौड़ी है और ये है परवल की मिठाई। आज मैंने पहनी है साड़ी और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ रुद्राभिषेक के लिए। आज का मेरा लुक बिल्कुल एथेनिक है। मैंने एक सेकेंड, हाथ में भी मस्त चूड़ियाँ पहनी है, आप देखिए ये वाली जो मैं लेके आई थी, और कलर हमसे मैचिंग है। और इसके बाद मैं आपको आज कैसे हमारे यहाँ श्रृंगार होता है, कैसे पूजा होता है, उसके साथ आपको जोड़ूंगी। आप भी वर्चुअली कनेक्ट होइए और बाबा से आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए गुरुजी तैयारी कर चुके हैं यहाँ पे, इसमें दूध है। गुरुजी मैं आज आपका व्लॉग बना रही हूँ। जय श्याराम भैया। हम वीडियो बना रहे हैं, मेरे चैनल पे डालेंगे। हाँ आप एक एक चीज का महत्व थोड़ा बताइएगा लोगों तक, काशी के जो पंडित है उनका अंतर पता चलना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह का देखे हैं। ये सब पता है गुरुजी। हाँ जब हमको मुंबई में कभी काम रहेगा तो गुरुजी आएंगे कि नहीं मेरे पास? क्योंकि हम हर जगह का रुद्राभिषेक देखे हैं, पर जो
यहाँ आप रुद्राभिषेक करते हैं उसका बात बहुत अलग है, लोग मानते नहीं। आज इनको वीडियो दिखाएंगे, हम वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे, तो लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ रुद्राभिषेक कैसा होता है। वहाँ एक घंटे में हो जाता है गुरुजी, यहाँ तो एक घंटा आप सिर्फ हम बताएंगे कि तैयारी ही कर रहे हैं। ये देखिए तैयारी चल रहा है, ये देखिए कितना भव्य सजाया है गुरुजी ने। हाँ, और पापा देख रहे हैं कि चल क्या रहा है। पापा मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम जो लाए हैं वो कोई चीज़ लोग ऐसा तो नहीं कि खोज रहे हैं मिलने रहा हो। हाँ वही मैनेजमेंट कहते पापा उसको। तनहावर जो है ना, तनहावर आ जाएगा। बढ़िया कुर्ता वर्ता बढ़िया अच्छे से डाल के आए होते हैं, चैनल में आप डालते हैं वहाँ से हमारे पास फोन आता है, फिर गुरु जी आपसे अच्छा पूजा करा देंगे। पूजा करा ऐसा लोग करेगा गुरु जी, ऐसा बात नहीं है। ऐसा तो पूजा देखेंगे, कपड़ा देखेगा, फिर आप ये बताइए। आनंद में जो है रहिए, किसी को बात नहीं सुनिएगा, जीवन का आनंद है। अरे ये आनंद निकल गया, मंत्रीपुतलम छंद कूर्मो देवता आशन पवित्रकरणे आशनको पवित्रकरणे। यहाँ पे दादी बेलपत्र पे राम जी का नाम लिख रही है चंदन से, और मैं उनकी मदद कर रही हूँ। सावन तो सभी लोग जानते हैं कि कितना ऑस्पिशियस फेस्टिवल होता है। बेसिकली काशी में तो इसका बहुत महत्व है, हर घर में लोग रुद्राभिषेक करते हैं, अगर घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में करते हैं। पर भगवान का ऐसा अपरम कृपा है हमारे ऊपर कि हम आराम से घर पे सालों से करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होता है। करते हुए हम निवेदन करेंगे, बाबा आप काशी के गुरुद्वारे हैं और भगवान विश्वनाथ जी के पंचम अवतार हैं। हे बाबा आपकी काशी नगरी में भगवान भूतनाथ भोले श्री शंकर आप दोस्त देवाधि देव का हम पूजन अर्चन और रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं, आपसे आदेश ले रहे हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपकी कृपा से ये जो मैं पूजन करने जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ का, वो प्रसन्न हो और उनकी कृपा मेरे परिवार में हमेशा निरंतर बनी रहे। मेरे हर बार सालों से हम एज अ फैमिली यहाँ पे रुद्राभिषेक और अभिषेक पूजा सब आरती करते आ रहे हैं। इस बार ऋषभ नहीं था, उसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी, वो लास्ट मोमेंट पे उसका कैंसिल हो गया आना, नहीं तो रक्षाबंधन पे वो भी आने वाला था। मम्मी ने रक्षाबंधन के एक दिन पहले रखा था कि अगर वो आता है तो यहाँ पे शामिल हो जाए, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वो आएगा और हम लोग फिर से करेंगे। टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत अच्छी बात तो ये है कि वो लाइव देख सकता है, तो उसने देखा और उसने भी आशीर्वाद लिया, तो थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है। सिद्धि के स्वामी तुम ही हो, रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो, पिता शुभ लाभ के हो। गुरुजी बीच बीच में भजन गाते हैं, उसमें भी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मैं ड्राई फ्रूट्स काट रही थी साथ में, इतनी तैयारी तो हुई है, साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ऑनगोइंग प्रोसेस में करते जाते हैं। जैसे कि पूजा यहाँ 4 घंटे चली, ठीक है, तो उस 4 घंटे की पूजा में जैसे दादी बेलपत्र पे नाम लिख रही थी, मैं भी लिख रही थी, इसी के साथ साथ पूरे प्रसाद तो कटे हुए थे पर चरणामृत के लिए हम छोटे छोटे प्रसाद काट रहे थे यहाँ पे। इसी के साथ अब अभिषेक लक्की भी आ गए हैं, आप उनसे भी मिलिए। ये लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, ये सब नहीं होगा। वाराणसी शंकर की महिमा है। बनारसी में इसे पचमेवा कहते हैं, कैसा है गाइस? यहाँ पे ये हमारे चिकलांडू पिकलांडू आ चुके हैं, ये लोग एकदम लिखने में लग गए हैं। पूजा में एक लाख बार अभिषेक करने का जो फल प्राप्त होता है वो फल इस श्रृंगी से एक बार करने से, ये नील गाय है ना, वो नील गाय की सिंह की श्रृंगी। आज मम्मी लोग इससे करेंगे।
काशी में तो हर घर में हर मंदिर में भगवान बसते हैं कहा जाता है ना। जब आप काशी में कदम रखते हो वहीं से आप दर्शन करो नहीं करो आपके पाप धुलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके जो कर्म हैं आपने जो किया है वो बेकार कर्म नष्ट होने लगते हैं और अच्छे कर्म की तरफ आप और बढ़ जाते हो। तो जिस दिन आप सोचते हो कि आप काशी आओगे उसी दिन आप ये निर्णय ले लेते हो कि आप भगवान को अपने आप को अर्पित करोगे। यहाँ पे मम्मी और हम लोग सब श्रृंगार की इस समय तैयारी कर रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो गुरुजी बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, ये श्रृंगार रहता है, ये दूसरे दिन हम इसको हटाते हैं और ये इसी तरीके से भगवान का कृपा हमारे पास बना हुआ है। तो गाइस कुछ तो बन रहा है, टेक्सी सा टेस्टी सा ये बन रहा है बाड़ा, और अभिषेक आया है तो बाड़ा खाएगा। क्यों बारा बारा बाड़ा भी कहते हैं अपने बिहारी में, बाड़ा भी कहते हैं, तो बारा कहते हैं। इसके साथ दही है क्या? नहीं दही बड़ा नहीं है, ये चटनी के साथ बड़ा है ये। अरे बड़ा पाव वाला बड़ा नहीं, इसको मैं दिखाऊंगी कि क्या है। कंट्रोल दिस इज बारा बारा। हां दिस इज बारा रे नॉट वाला। ये देखिए मैंने इतना डाला, ये बड़ा बन गया। क्या पानी खाना कैसा बना है दादी? बहुत बढ़िया। क्या-क्या था खाने में? सब बढ़िया तो सब है। और था क्या खाने में, क्या खाई मतलब क्या था? कचौड़ी पूड़ी क्या खाई आज? दाल चावल चना का दाल चावल कचौड़ी सब्जी चटनी बारा बारा सब तो खाए। आज मैंने आपको अपने घर से जोड़ा, जो हम लोग छोटे छोटे रिचुअल्स करते हैं भगवान का पूजा करते हैं उससे जोड़ा। बहुत अच्छा लगा सबको बता के और सबके साथ जुड़कर, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पर्सनली लोगों से बात कर सकते हो, आप क्या खा रहे हो आप क्या कर रहे हो बता सकते हो और लोग इस तरीके से आपसे जुड़ जाते हैं। मतलब जो मैं मैसेजेस देख रही हूँ, जैसे कि मेरा एक लुक था जब मैं वहाँ पे गई थी रीयूनियन के लिए, तो वहाँ का लुक का लोगों ने कि कौन सा लिपस्टिक लगाया है कौन सा क्या है क्या था, तो वो सब का भी मैं एक छोटा सा बताऊंगी। थोड़ा डिटेल्स में मैं नहीं जा रही थी, मैंने सिर्फ ड्रेस का लिया था मिंत्रा हॉल का डाला था, बट मैं वो भी बताना चाहूँगी क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है मुझे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा आप ये देखना चाहते हो अच्छा आप ये करना चाहते हो। श्योर आई विल डू दैट। तो उसी के साथ हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में संडे और सैटरडे को, वीकेंड पे मिलती हूँ मैं, तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।